हेलो साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, शुभाकर, सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो जैसा कि हमने आपको जो है बताया हुआ था कि जो है हमारा जो बैच योद्धा बैच जो चल रहा है उसमें जो है हम परसेंटेज मैथमेटिक्स की क्लास को बहुत बेसिक से सीख रहे हैं, जिसमें से हम जो परसेंटेज की क्लास को जो है स्टडी कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें से हमने जो है परसेंटेज की डे वन की क्लास हमने कंप्लीट कर ली। आज डे टू की क्लास है। आज डे टू की क्लास में हम जो है बहुत से ऐसी चीज़ों को सीखेंगे जो जिस बच्चे को मैथमेटिक्स नहीं आता, जिस भाई को मैथमेटिक्स नहीं आता, जिस बहन को मैथमेटिक्स नहीं आता, वो बहुत बेसिक से मैथ जो है सीख सकता है। तो पहले वाले दिन में, यानी कि जो पिछले वाली क्लास में हमने जो बात करी हुई थी कि परसेंटेज को जब हमने पढ़ा हुआ था, तो परसेंटेज पढ़ने से पहले हमने जो है कुछ चीज़ों को जो है पढ़ा हुआ था, जैसे बेसिक कैलकुलेशन आपकी मजबूत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद जो है हमने ये भी देखा था कि आपको डिजिट सम वगैरह आने चाहिए, डेसिमल आने चाहिए, और सबसे चीज़ हमने सीखी थी कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, आपको वो सारी चीज़ें जो है नहीं आती है, ठीक। उसके बाद हमने ये भी देखा हुआ था कि अगर जो है जो परसेंटेज होता है वो ना जो है दो चीज़ों को हमने डिवाइड कर दिया थी कि एक हमारा जो है फ्रैक्शन पार्ट वाला होगा और दूसरा हमारा जो है मिक्स फ्रैक्शन पार्ट वाला। क्योंकि जब हम परसेंटेज को जब हम स्टडी करते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, तो परसेंटेज को जब परसेंटेज वाले चैप्टर में हमेशा आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि कभी कभी परसेंटेज आपको डेसिमल में दिया रहेगा, कभी नॉर्मल फॉर्म में दिया रहेगा, कभी फ्रैक्शन में दिया रहेगा, कभी मिक्स फ्रैक्शन में दिया रहेगा। तो हमें क्या करना है कि जब हम परसेंटेज को पढ़ रहे हैं तो हमें आगे जाकर के इस चीज़ का सामना करना ना पड़े, इसलिए जो है हमने जो है डे वन वाली क्लास में मैंने आपको जो है फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन दोनों पढ़ाया हुआ था कि कैसे जो है फ्रैक्शन को हम ब्रेक करते हैं, कैसे वो चीज़ों को करते हैं। तो डे टू की क्लास में आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज। बेसिकली हम परसेंटेज को शुरू कर रहे हैं कि परसेंटेज क्या होती है, इसको जो है कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत बेसिक परसेंटेज को कैसे सीखते हैं, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कैसे हम सीखेंगे, उन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे से मैथमेटिक्स सीख रहे हो। देखो, मैथमेटिक्स की क्लास जब भी हो, परसेंटेज की क्लास जब भी आपको चले, हमेशा एक चीज़ याद रखो कि एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाओ। क्योंकि कॉपी पेन लेकर के बैठोगे ना, तो आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी उसको जो है नोट कर लो, जो चीज़ें समझ में आएगी उसको भी नोट कर लो, आप उसको फिर जो है रिवाइज करो कि नहीं इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि परसेंटेज किसे कहते हैं। देखो, मोटी मोटी भाषा में हम ये सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि परसेंटेज को हम ये कहते हैं कि प्रति सौ, सौ में से कितना, सिंपल सी भाषा में हम ये कह सकते हैं। लेकिन अगर थ्योरेटिकल जो है फॉर्म में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो परसेंटेज है ना, जो परसेंटेज है द मेथोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन इन मैथमेटिक्स दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। यानी कि एक ऐसा तरीका फ्रैक्शन को मैथमेटिक्स में लिखने का जो तरीका है, जो मेथड है, उसी को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन इन मैथमेटिक्स दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। ठीक है साथियों, कि जो है एक किसी भी मेथड को, एक ऐसा मेथड जिसमें फ्रैक्शन को यानी कि जो है भिन्न को व्यक्त करने का एक ऐसा तरीका जिसको हम क्या करते हैं, परसेंटेज कहा जाता है मैथमेटिक्स में, तो उसी को कहा जाता है। ये तो हुआ कि जो थ्योरेटिकल भाषा में हमने ये बात कह दी, लेकिन जब हम इसको जो है मोटी मोटी भाषा में, आसान शब्दों में, जिसे हम कहते हैं कि आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 100 में से कितना, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, 100 में से कितना। तो हम क्या करेंगे कि जो प्रतिशत है इसको दो भागों में जब आप ब्रेक करोगे तो एक मिलेगा आपको प्रति, इंग्लिश में इसे हम एक और नाम से जानते हैं यूनिट,
एक हमारा मिलता है शत, यानी इसको हम कहते हैं 100, ठीक है 100। या फिर इसको एक और लैंग्वेज का इस्तेमाल हम करते हैं सैकड़ा, कभी कभी लोग कहते हैं कि सैकड़ा का भी आप इस्तेमाल करते हुए देखने को मिल जाएगा। सैकड़े का इस्तेमाल ज़्यादातर लोग जो है जैसे मंडी वगैरह में जब आप सब्जी खरीदने जाते हो ना, तो वहाँ पर सुनने के मिलते हैं कि प्रति सैकड़ा इतना है, 100 रुपये सैकड़ा इतना है, कुछ भी चीज़ें मिलती हैं तो सैकड़े का भी इस्तेमाल करते हैं। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि प्रति, यानी कि जो प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है यूनिट यानी एक होता है, और जो है शत का मतलब होता है 100। तो प्रतिशत यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं, शत। तो इसका जो सिंबल होता है, इसका जो हम कहते हैं कि जो साइन होती है वो इस तरीके से होता है, इसे हम क्या कहते हैं प्रतिशत कहा जाता है, जिसकी वैल्यू जो होती है 1/100। ठीक है, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत का साइन इस तरीके से होता है और इसकी वैल्यू होती है 1/100। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ 100 है ना, कोई भी चीज़ अगर 100 है तो 100 में से कोई दूसरी चीज़ कितना है ना, 100 में से कितना, उसका कितना भाग है, 100 में से कितना है। जैसे हमने कह दिया कि जो है एक क्लास में हमने कहा कि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं ना, तो हम ये कह सकते हैं कि 100 बच्चे कहा है, उसने ये नहीं कहा है कि लड़के हैं कि लड़की है, तो उनको सबको मिला करके उसने कहा है कि 100 बच्चे हैं एक क्लास में। तो उनमें से अगर पूछे कहा कि उसमें से लड़कियां कितनी हैं, तो लड़कियां जो कितनी होंगी वो किस में से होंगी, 100 में से ही तो होंगी ना। जैसे कि एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि एक स्कूल में हमने कहा कि 100 स्टूडेंट हैं, कितने हैं 100 स्टूडेंट हैं। अब एक चीज़ देखो कि इस स्कूल में आपको क्या मिलेंगे, बॉयज़ भी मिलेगा, बॉयज़ भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे, है कि नहीं, बॉयज़ भी होंगे गर्ल्स भी होंगे। तो जाहिर से बात है कि कह रहा है कि ये दोनों जो 100 में से हैं, दोनों लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर के 100 में से हैं, तो अगर लड़कियों की संख्या पूछे तो किस में से पूछ रहा है, 100 में से ही तो पूछ रहा है, तो हम ये क्या लिखेंगे, गर्ल्स अपान के 100, यानी कि जो है लड़कियों की संख्या कितनी पूछ रहे हैं कि 100 में से कितना है, ये किसको पूछ रहा है, लड़कियों की संख्या को। तो किस में से पूछ रहा है, 100 में से पूछ रहा है, इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि ये यही चीज़ होती है परसेंटेज को पढ़ाने का, यही चीज़ें होती हैं कि प्रति 100 में से कितना, 100 में से कितना। ठीक है, अब अगर बॉयज़ की संख्या अगर पूछेगा तो क्या मिलेगा आपको, बॉयज़ 100, यानी कि 100 में से लड़के कितने हैं, वही बात तो है यहाँ पे कि 100 में से लड़के कितने हैं। तो परसेंटेज क्या है कि जो है प्रतिशत, यानी कि 100 में से कितना। तो जनरली जो है देखा जाता है कि इसको ज़्यादातर जो है लोग कि मोस्टली याद करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि 100 में से कितना, एक भाषा मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है कि 100 में से कितना, 100 में से कितना। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत आसान तरीका होता है कि परसेंटेज को जब हम पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना कि किसी भी चीज़ को 100 मान लेते हैं, है ना, 100 मान करके उसी में से हम निकालते हैं कि 100 में से कितना है, 20 है, 30 है, 10 है, 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, क्या है। तो परसेंटेज जो कहता है वो यही कहता है कि ये जो परसेंटेज लिखा है ना, इसका वैल्यू जो होती है 1/100, इसका मतलब क्या है कि 100 में से एक है ना, प्रतिशत, प्रतिशत यानी कि 100 में से एक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल से और समझते हैं, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करें कि जैसे हमने कहा कि हमने ये 4 बॉक्सेस बनाए, 2, 3, 4 हो गए, 2, 3 और हमने 4 बॉक्सेस बनाए, हर बॉक्स में हमने 4 खाने करें, सेम खाने इक्वल करें, ठीक है। इसमें हमने जो है एक भाग को कलर किया, इसमें हमने 2 भाग को कलर किया, इसमें हमने 3 भाग को कलर किया, और इसमें हमने जो क्या किया, 4 भाग को कलर किया। हमने इसका नाम रख देते हैं, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर देखो, हमने परसेंटेज को जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने क्या बताया आपको कि
कि परसेंटेज जो होता है किसी भी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, परसेंटेज को, सॉरी अब फ्रैक्शन को, किसी भी फ्रैक्शन को उसको रिप्रेजेंट करने का एक जो है मेथड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। तो अगर हम इसको जो परसेंट उस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो चार है, चार में से कितने भाग कलर किया गया है, एक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक बटा के चार। बात समझ में आई। दूसरे को हम क्या लिखेंगे कि कितने भाग कलर किया गया, दो, यानी कि जो दो दो भाग कलर किया गया कितने में से, चार में से। तो देखो एक चीज़ देखो कि जिसमें से कितने में से पूछा गया, जो में से आ रहा है ना, जो जहाँ पर से आ जाए, का आ जाए, की आ जाए, वो हमेशा क्या होता है, उसके जो है डिनोमिनेटर में होता है, हमेशा हर में लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो चार में से, देखो चार में से दो भाग क्या किया गया है, कलर किया गया है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर देखोगे तो तीन बटे के चार, तीन बटे चार का मतलब क्या है कि तीन जो है चार में से तीन भाग को इसने क्या कर दिया, कलर कर दिया है। और चार में से चार का मतलब है कि ये जो है पूरे के पूरे जो है चार में से चारों को जो है कलर कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, परसेंटेज, तो हमें ये चीज़ें हमें परसेंटेज में दिखानी पड़ेगी कि परसेंटेज में कैसे हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया कि हम किसी भी चीज़ को हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। परसेंटेज को हम हमेशा जो है, परसेंटेज को जब हम पढ़ते हैं ना तो हम किसी भी चीज़ को 100 मान करके चलते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि ये हमने इसको मान लिया कि ये कितना है, 100 है, ये सभी के सभी क्या है, 100, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100 है, ठीक है। तो जब ये 100 है तो एक चीज़ देखो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये 100 है तो 100 के कितने भाग किए गए, चार भाग किए गए हैं, और चार भाग में किए गए थे एक भाग कितना परसेंट होगा, 25% होगा, है कि नहीं। अब जैसे भाई देखो कि अगर ये मैं इसको परसेंटेज में पूछता हूँ, ठीक है, ये टोटल हमने इसको मान लिया कि ये 100 है, ये भी हमने मान लिया कि ये भी हमारा क्या है, 100 है, 100 है, ये भी हमारा 100 है, हमने इसको मान लिया कि 100 है। अब हमने कहा कि ये 100 जब 100 है तो 100 में से ये कितना है, 100 में से कितना भाग इसको कलर किया गया। तो एक चीज़ देखो ना कि ये जो 100 है, 100 का कितना भाग है, एक दो तीन चार भाग किया गया है। तो 100 का जब हम चार भाग करेंगे, यानी कि कितने इसका कितना भाग किया गया है, एक बटा चार गुणे 100 कितने हो गए, 25%। बात समझ में आई, यानी कि कितने परसेंट कलर किया गया है, 25%। इसी तरीके से अगर हम दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे एक चीज़ को देखो कि अगर हमने इसको मान लिया कि पूरा का पूरा ये कितना है, 100 है, और ये कितने जो है 100 का कितना भाग किया गया है, दो भाग किया गया ना, तो दो भाग किया गया तो जाहिर सी बात है कि ये जब 100 को कोई भी चीज़ 100 है उसका दो भाग करोगे तो आधा आधा ही तो बटेगा, एक 50% ही तो बटेगा। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि ये कितना होगा, 50% होगा। लेकिन अगर जो है इसको हम ऐसे दिखाना चाहें कि ये परसेंटेज में कितना होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 100 है इसका कितना भाग किया गया है, ये चार खाने हैं, चार खाना है ना, तो चार में से दो भाग किया गया है, तो चार बटे दो गुणे 100, तो ये कितना हो जाएगा, 50%। एकदम आसान से सीखते, बहुत बेसिक से सीखते हुए चलते हैं। तीसरे की अगर हम बात करें कि भैया ये तीन बताओ जो है, ये पूरा का पूरा 100 है, 100 को जब हम तीन भाग करेंगे, ये पूरा का पूरा तीन, यानी कि 100 का जो चार खाना है, एक दो तीन चार खाना है, हमने तीन भाग कलर किया हुआ है, तो अब हम ये पूछेंगे कि अगर जो है हम 100 का अगर हम चार भाग करते हैं, चार भाग करेंगे अगर 100 का, तो एक भाग कितना आएगा, 25% का आएगा, एक भाग 25 ही तो आएगा। तो जब 1% 25 आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि 3% तीन भाग कितना होगा, 75% होगा। बात समझ में आई कि हमने क्या कहा कि हमने किसी भी चीज़ को हमने 100 मान लिया, हमने इसको 100 माना, अगर 100 में से अगर ये 100 का ये चार भाग किया गया है तो एक भाग कितना होगा। भाई देखो ना कि ये 100 का हमें ये चार भाग किसका किया गया है, 100 का, तो एक भाग कितना होगा, 25 होगा, है कि नहीं। तो तीन भाग कलर किए गए हैं तो तीन भाग कितना होगा, 75, यानी कि 25 गुणे तीन दैट इज 75। तो आपका ये आंसर हो गया 75%। इस बात को ध्यान रखें, आपको बहुत बेसिक से चीज़ हम सीखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ठीक अगर हम चौथे की अगर हम बात करें तो एक चीज़ देखो कि जो चार नंबर है
इसमें हमने पूरे के पूरे 100% इसको जो है क्या कर दिया गया, कलर किया गया है, पूरे के पूरे 100% कलर किया गया है। तो इसमें कहने की कोई मतलब है नहीं कि इसके अगर चार भाग है, अगर 100 का हमने चार भाग करा तो एक भाग कितना हुआ, 25 का हुआ। तो एक भाग अगर 25 को हुआ तो चार भाग हमने कलर करा है तो कितने हो गया, 100% कलर किया गया है। तो कितना हम इसको लिखेंगे कि ये पूरा का पूरा क्या है, 100% कलर किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत बेसिक चीज़ है जो मैथमेटिक्स को जो है मैथमेटिक्स में परसेंटेज को सिखाने के लिए, कि आप इस चीज़ को सीखो कि कैसे परसेंटेज को ब्रेक करते हैं, कैसे परसेंटेज को हम ये सीखते हैं कि ये जो परसेंटेज है वो बहुत आसान तरीके से हम कैसे इसको सीख सकते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, जब हम परसेंटेज को पढ़ते हैं ना तो परसेंटेज को हम दो चीज़ें से हम पढ़ेंगे। देखो मुझे नहीं पता कि लोग कैसे पढ़ाते हैं, बट जो मेरे पढ़ाने का तरीका है कि मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा पढ़े जिसको मैथमेटिक्स से नहीं आते, हम उसको जो है एकदम मैथमेटिक्स में एकदम उसको योद्धा बना दें, है ना, एकदम मैथमेटिक्स में उसको क्या बना दें, योद्धा बना दें। क्योंकि ज़रूरी है कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ पे टाइम भी बचाना है, सारी चीज़ें जो हमें देखनी है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम देखते हुए चलेंगे। तो पहली चीज़ परसेंटेज में हम पहली चीज़ पढ़ेंगे इस प्रतिशत में कि हम क्या करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदल लेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलना जो है। दूसरा हम देखेंगे प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं, है ना, प्रतिशत को भिन्न में कैसे हम बदलें। एक हमने परसेंटेज में हमें एक क्या करेंगे, भिन्न को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा कि किसी भी परसेंटेज को हम उसको जो है फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं या उसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे। इसमें हम तीन चीज़ें सीखेंगे। पहली कि हम सीखेंगे बेसिक से, क्या सीखेंगे, तीन मेथड हम सीखेंगे। एक बेसिक मेथड हम सीखेंगे कि कैसे बहुत आसान तरीके से हम कैसे किसी भी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी हम सीखेंगे मीडियम, हम जिसे हम कहते हैं मिडिल मेथड, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाए तो उस पर ध्यान ना दें। तीसरी हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, एडवांस सीखेंगे। तीनों चीज़ों को हम सीखेंगे, सेम यही प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करेंगे कि किसी भी परसेंटेज को जो बेसिक परसेंटेज होती है उसको हम फ्रैक्शन में कैसे सीखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले बेसिक सीखेंगे, उसके बाद जो मीडियम सीखेंगे, उसके बाद से फिर जो है एडवांस सीखेंगे कि कैसे हम जो है किसी भी परसेंटेज को उसको जो है फ्रैक्शन में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, और किसी भी जो है फ्रैक्शन को उसके परसेंटेज में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। इन तीनों के लिए इन दोनों के लिए हम तीन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एक मेथड जो हमारे पास कैसा होना चाहिए कि बहुत बेसिक होना चाहिए, दूसरा मेथड जो मीडियम होना चाहिए कि यानी कि जो ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा सा जो है हार्ड लेवल पे धीरे धीरे जो प्रोसीड करते हैं, थोड़ा सा कठिन, जैसे कहते हैं ना बच्चे को दवाई की घुट्टी जो है सिखाना कहते हैं ना, दवाई की घुट्टी पिलाना कहते हैं कि पहले धीरे धीरे प्यार से मीठे वाले पिलाओ, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे करके जो है कड़वी वाली जो है दवाई पिलाते जाओ। तो वैसे हम जो है आपको दवाई पिलाएंगे कि पहले बेसिक से पियो, फिर जो है मीडियम से पियो, उसके बाद जो धीरे धीरे क्या करेंगे एडवांस से जो है सीखेंगे। तो इस चीज़ को आप जो है देख लें, उसको जो है थोड़ा सा नोट कर लें। चलिए अब सीखते हैं कि परसेंटेज को मैंने अभी डिफाइन किया कि हमने बताया कि परसेंटेज को हम दो तरीक़ों से हम चेंज करते हैं। एक हमने बताया कि जो टाइप वन होती है ना, भिन्न को हम क्या करेंगे परसेंटेज में बदलेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि किसी भी प्रतिशत को हम क्या करेंगे भिन्न में उसको जो है कैसे चेंज करते हैं, इस चीज़ को हम जो है ध्यान में रखेंगे और सीखेंगे भी कि कैसे हम इसको सीखते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि दो कैटेगरी में इसको बांट देते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो है टाइप वन को हम बात करते हैं कि परसेंटेज यानी कि जो हमारा टाइप वन है, टाइप वन क्या कहता है कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। तो उस चीज़ को हम सीखते हैं कि टाइप वन क्या कहता है
टू कन्वर्ट कन्वर्ट द परसेंट टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन फ्रैक्शन इन परसेंटेज। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो है 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि किस में, भिन्न में। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रति भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है साथियों। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि आपको किसी भी फ्रैक्शन को, अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन हो उसको जो है बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको जो है 100 से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है, उसको जो है परसेंटेज में चेंज करने के लिए। अब तीन चीज़ें आप ध्यान रखो कि देखो परसेंटेज ना सॉरी फ्रैक्शन जो है ऐसा होता है कि तीन जो है तीन कैटेगरी में इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसको हम आगे एक वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम जो सीख रहे हैं उसको सीखते हैं कि हम क्या करेंगे कि परसेंटेज को हम पी से डिफाइन करते हैं। पी परसेंटेज बराबर हम क्या लिखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें जो है 100 से गुणा करते हैं और यहाँ पे सिंबल का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे बहुत बेसिक पहला मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, बेसिक मेथड। ठीक है, बेसिक मेथड बहुत, ठीक है, बहुत बेसिक मेथड को लेकर के हम चलते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल की अगर हम बात करें कि एग्जांपल क्या लें, जैसे कि हमने कहा कि 5/5 हम कह सकते हैं 8, एक एग्जांपल है। दूसरा है 3/4, 6/5, 7/8, 3/12 कर लेते हैं, 6/ कुछ भी कर लो आप, मान लो 6/ हमने कह दिया कि चलो मान लिया कि हमने यहाँ पे 10 कर लेते हैं, 10 ना करते हैं, हाँ ठीक है 6/5 कर लेते हैं, 6/5 है ठीक है, कोई नहीं 6/7 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है हमारे पास, ये सभी के सभी क्या है, फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन है। हम बहुत बेसिक सीख रहे हैं कि कैसे इसको जो है चेंज करते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको जो है परसेंटेज में चेंज करना है तो उसमें क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी कि 5/8 गुणा 100 मल्टीप्लीकेशन बाई 100, तो ये हो जाएगा, कट करोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 125 अपान के 2 कट करोगे तो ये आ जाएगा 62.5%। ठीक है, 62.5% आ गया आपका, परसेंटेज के फॉर्म में आ गया। इसीलिए मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि आपको बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए मैथमेटिक्स की। क्यों आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कटपिट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स की जो है जो बेसिक कैलकुलेशन होनी चाहिए वो आनी चाहिए, डिजिट सम आनी चाहिए, डिवीज़न आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए, एडिशन आनी चाहिए, डिजिट सम आनी चाहिए, डेसिमल आनी चाहिए, सारी चीज़ें मैंने आपको जो है वहाँ पर बता रखा था कि आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। 3/4, 3/4 में भी अगर आप जो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना मिलेगा, कट गया, कितने बार में, 25 बार में, कितने आ गए, 25% आ गए। दूसरे हमने कहा कि 6/5 इंटू 100 कितने करे हमने, 120% आ गए। यहाँ पे 7/8 गुणे 100 कितने आ गए, कट करोगे आप तो ये आपको मिल जाएगा 25, 25 × 7 = 175 है ना, 175 अपान के 2 कट करोगे तो ये आपको मिलेगा 2/8 = 16, 2×7 = 14, 87.5% के आसपास मिलेगा। इसके बाद जो है अगर आप जो है 3/12 इंटू 100 आप करते हो तो फिर इसमें भी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 4×3 = 12 और ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 75/3। आप इसको जो कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 3×2 = 6,
और एक 25 हो गया, 3 बटे 24 एक 3% के समथिंग आ जाएगा। और आप जो है इस तरीके से बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक मैथमेटिक्स है, आप इसको बहुत बेसिक से जो इस चीज़ को आप जो है सीख सकते हो और डिफाइन भी कर सकते हो कि कैसे किसी भी फ्रैक्शन को हम जो है उसमें परसेंटेज के फॉर्म में कैसे हम इसको जो है चेंज करते हैं, कैसे उसको जो है कन्वर्ट करते हैं। हमने इस चीज़ को भी हमने देखा कि ये बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। हम क्योंकि कहोगे कि सर इसका इस्तेमाल हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखो साथियों हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपकी बेसिक कैलकुलेशन जो है थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि जब आपकी बेसिक कैलकुलेशन जब आपकी स्ट्रांग होगी ना, तो आगे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो आपके क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, उसमें जो है आपको उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। ऐसा थोड़ा ना है कि मैं आपको ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ तो ये एग्ज़ाम में आने वाले हैं, नहीं भाई ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं, बात समझ में आ रही, ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं। लेकिन एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वहाँ तक पहुँचने का ये तरीका है ना, ये तरीका है वहाँ तक पहुँचने का, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जो है ध्यान रखिएगा। अब दूसरे टाइप की बात करते हैं, टाइप टू की हम बात करते हैं। टाइप टू में क्या हुआ है कि जो टाइप टू है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो टाइप टू में हम क्या करेंगे कि जो किसी भी परसेंटेज को उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में हम कैसे चेंज करते हैं, जब हम कोई भी परसेंटेज को जब हम पढ़ते हैं तो उसको जो फ्रैक्शन फॉर्म में हम कैसे जो है चेंज करते हैं, कैसे उसको हम जो बदलते हैं, उस चीज़ को भी हम देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो टाइप टू कैसा है, टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, ठीक है, भाग दिया जाता है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे एग्जांपल हमने ले लिया कि कोई भी परसेंटेज है, उस परसेंटेज को अब हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर हमें बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से उसमें जो है भाग किया जाता है। जैसे कि हमने परसेंटेज लिया कि 32%, 100 हमने कहा 17%, 18%, 25%, 20%, इसके बाद हमने क्या करा कि हमने यहाँ पे किया कि 35%। कोई जो है कभी कभी क्या होता है कि इस फॉर्म में आते हैं कि 3 से ही 1/4%, 5 से ही 2/7%, 6 से ही 3/4%, 3 से ही 1/8%। इनको हमें क्या करना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो इनको हम कैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में हम चेंज करते हैं कि जब इसको जो परसेंटेज दिया हो तो उसको जो है कैसे हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में हम चेंज करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सिंपल से आपको कुछ नहीं करना होता है, इसमें जो है 100 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो जैसे हमने कि अभी यहाँ पर हमने परसेंटेज को हमने बताया कि फ्रैक्शन इंटू 100 हमें करना पड़ता है। तो जब हमें किसी भी परसेंटेज को हमें क्या करना है, जब हम किसी परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में हम चेंज करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे, 100 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जो परसेंटेज आपको दिया हो उसमें जो है 100 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, वही हमारे क्या आ जाता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। इसको यहाँ पर हटा देते हैं। जैसे कि हमने कहा कि 32%, तो 32, तो मैंने अभी आपको बताया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये जो परसेंटेज हमने सिंबल लगा रखा है इसका मतलब क्या, 1/100, इसका मतलब क्या होता है, 1/100। तो सेम वही यहाँ पर है कि परसेंटेज इनटू हो जाएगा और 1/100 आप कट करोगे तो ये हो जाएगा 4/32 और ये 25, आपके कितने मिल गए, 8/25, ये हो गया हमारे पास जो है फ्रैक्शन, आपका फ्रैक्शन हो गया। 32% को हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने चेंज करा तो हमें कितना मिला, 8/25 मिला। दूसरी चीज़ हमने कहा कि 17% है,
तो 17% को हम क्या करेंगे, परसेंटेज में जब हम चेंज करेंगे तो इसको जो है 17 into 100 को हम क्या करेंगे, कैंसिल हो रहा है, कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। 17 upon 100 हम ये भी लिख सकते हैं कि इसको जो है 17% में हम कैसे इसको जो है चेंज करते हैं। ठीक उसी तरीके से 18% को हम क्या लिखेंगे, 18 × 1/100। तो 18 को कट करोगे तो 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 50, कितने हो गए 9/50 आ गए। फ्रैक्शन के फॉर्म में ये चीज़ें हमें आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल गई। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 25% है, तो 25% के लिए हम क्या करेंगे, 25 × 1/100, 25 × 25 = 100, कितने आ गए 1/4 हो गए। ये क्या है कि बहुत सिंपल मेथड है, हम क्या करें कि हमें मैथमेटिक्स को एकदम उस लेवल एग्ज़ाम लेवल पे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है ना, वहाँ तक हम पहुँचने के, वहाँ पर उस वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वहाँ तक ले जाने के लिए ये सारे के सारे जो है तरीके हैं जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको बेसिक चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए, तभी आप उस एडवांस लेवल को आप जो है सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब 35% है, 35% को हम क्या लिखेंगे, 35 × 1/100, तो आप 5 कट करो, 5 × 7 = 35 और 5 × 2 = 10 यानी 20, कितने आ गए 7/20। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया आपको जो है 7/20। अब ऐसे क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन अब आगे मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आगे, जैसे 3 × 1/4, तो मैंने आपको क्या बता रखा था कि जब आप मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे पढ़ते हैं, 3 × 1/4 है, सॉरी ये ऐसे हैं, 3 × 1/4, बेसिकली ये है क्या, बेसिकली ये है क्या, 3 + 1/4 ही तो है भाई, 3 + 1/4 ही तो है। मिक्स फ्रैक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में कि 3 + 1/4 ही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि इसके अपान एक कर लेंगे, एलसीएम लोगे 4 × 4 = 12, 1 = 13, कितने आ जाएंगे 13/4 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को जो सही वाले क्वेश्चन हो, जो मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हैं, जो मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हैं, उनको पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में हम उसको चेंज करते हैं। तो कितने हो गए 4 × 12 = 13, 13/4% को हम क्या करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 13/4 × 1/100। तो कट रहा है, कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, सिंपल से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, कितने जाएंगे 13/400। ठीक उसी तरीके से इसको हम चेंज करते हैं, 5 × 7 = 35, 2 × 37/7, कितने आ गए 37/7%। अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, 37/7 × 1/100, ये हो जाएगा 37/700। ठीक है, इसको चेक करते हैं, 6 × 24 = 27, 27/4, यानी कि 27/4% को हम कैसे इसको चेंज करेंगे, तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको कि 27/4 × 1/100, ये आपको हो जाएगा 27/400। तो ये क्या है कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम चेंज करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, और जब इसको 100 से डिवाइड किया जाता है तो अगर कट रहा है तो ठीक है काट दो, अगर नहीं कट रहा है तो इसको जो है यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 8 × 24 = 25, 24 × 25 = 8%, इसको हम कैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में हम चेंज करते हैं कि 25/8% को कैसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि 25/8 × 1/100 हम जब करते हैं तो 25 × 25 = 100, कितने आ गए 1/32, ये आपके आंसर आ गए। कि किसी भी फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में जब हम चेंज करते हैं तो उसमें जो है हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और किसी भी परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में जो चेंज करते हैं तो उसमें जो है हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक चीज़ और मैंने जो टाइप वन था ना, इसमें एक चीज़ मैंने बताना भूल गया आपको कि इसमें कभी कभी क्वेश्चन क्या होते हैं ना कि ऐसे आ जाते हैं जो मिक्स फ्रैक्शन टाइप के आ जाते हैं, जैसे 1 से 1/3 को परसेंटेज में चेंज करो, 2 को परसेंटेज में चेंज करो, 3 × 1/5 को परसेंटेज में चेंज करो,
तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि पहले इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तीन एक कम तीन एक चार, चार बटे के तीन, यानी कि जो है चार बटे के तीन गुड़े हंड्रेड, कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, 400 बटे के तीन पर जो है 3% आपका जो है ये हो जाएगा। दो दुना के चार, चार एक पाँच बटा के दो, कितने हो गए पाँच बटा के दो, यानी कि इसको हम क्या करेंगे पाँच बटा के दो इंटू हंड्रेड, कट रहा है, कट रहा है तो ठीक है काट दो, कितने हो गए 50, कितने आ गए 25, पच्चे पाँच पच्चे 25, यानी कि 250%। तीन तरीका नौ, सॉरी पांतिया 15 एक 16, 16 बटे के 5 को हम क्या करेंगे, जब हम परसेंटेज में हम चेंज करते हैं तो 16 बटे के 5 गुड़े 100 हम करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 से कट करोगे 5 दुना के 10 यानी कि 20, 16 दुना के 32, 320%। अब एक चीज़ ध्यान रखो कि ये क्या है 320%। अब एक चीज़ हमेशा याद रखो कि चाहे क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आए, अगर जो है मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो पहले उसको जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करो, फिर उसके बाद जो है उसको परसेंटेज के फॉर्म में चेंज करो। इसमें अगर परसेंटेज आपका मिक्स फॉर्म में दिया है तो उसको पहले जो है फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करो, उसके बाद जाकर के इसको जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको जो है चेंज करो, तब जाकर के परसेंटेज को सॉल्व करो, तब जाकर के वो जो है फ्रैक्शन में जो है आपका सॉल्व होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आज डे टू क्लास की जो है, आज डे टू क्लास में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, आप इसको जाकर के इस पर रिवाइज कर लीजिएगा, जितने क्वेश्चन बनते हैं उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगा, उसमें जो है कल से हम जो है इसको जो है इसी तरीकों को हम स्मार्ट अप्रोच के साथ कैसे सॉल्व करेंगे, इन्हीं जो दो तरीके हैं इन्हीं दो तरीकों को हम कैसे जो स्मार्ट अप्रोच के जो है ज़रिए से इसको जो कैसे सॉल्व करते हैं कि स्मार्ट तरीका हम कैसे लगाएंगे, हम क्या करें इतने प्रोसेस को लंबा इस्तेमाल करें, हमें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें यही तो करना है कि मैथमेटिक्स में हमें टाइम ही तो बचाना है, लंबा प्रोसेस का इस्तेमाल हमें करना ही नहीं है, हमें शॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करना है। लेकिन शॉर्ट मेथड तभी आएगा जब आपका बेस मजबूत रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं जो है नेक्स्ट क्लास में।